नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला कुमार और आज हम बात करेंगे पल्लवी जोशी के बारे में। जी हां, मशहूर एक्ट्रेस पल्लवी जोशी, उनके बारे में आज हम बातचीत करने वाले हैं। देखिए, जहां कोरोना काल में देश आधारभूत और चिकित्सा संबंधी अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा था, तो वहीं भारतीय वैज्ञानिकों के सामने जल्द से जल्द और किफ़ायती वैक्सीन बनाकर करोड़ों देशवासियों को सुरक्षित करने की बड़ी चुनौती थी। हालांकि भारतीय वैज्ञानिकों ने कहा है कि कम समय में वैक्सीन तैयार करके ये कर दिखाया है कि दुनिया उनकी मुट्ठी में है। तो देखिए, वैज्ञानिकों की इसी उपलब्धि पर आधारित फिल्म द वैक्सीन वॉर 28 सितंबर को प्रदर्शित होगी। कोरोना काल में देश आधारभूत और चिकित्सा संबंधी अलग अलग समस्याओं से जूझ रहा था और भारतीय वैज्ञानिकों ने के सामने जल्द से जल्द किफ़ायती वैक्सीन बनाकर करोड़ों देशवासियों को सुरक्षित करने की चुनौती थी। तो वहीं आपको वैक्सीन वॉर के बारे में बताते हैं। दरअसल इस उपलब्धि पर आधारित जो फिल्म है वैक्सीन वॉर 28 सितंबर को आपको सिनेमाघरों में दिखेगी। फिल्म में अभिनेत्री पल्लवी जोशी ने इसमें वैक्सीन निर्माण टीम का हिस्सा रही विज्ञानी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के निदेशक प्रिया अब्राहम की भूमिका में पल्लवी जोशी आपको इस फिल्म में नजर आएंगी। पल्लवी इस फिल्म की प्रोड्यूसर भी हैं। तो देखिए, लोग अधिकतर बॉक्स ऑफिस की ही भाषा समझते हैं। उन्होंने इस बात का जिक्र किया जब पल्लवी से एक इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही गई, लेकिन हर चीज़ टिकट खिड़की के नज़रिए से नहीं देखी जा सकती है। मुझे नहीं पता है कि ये 15-25 या फिर 350 करोड़ रुपये कमाने वाली फिल्म होगी या फिर नहीं होगी। मुझे बस इसमें खुशी है कि हमारे ट्रेलर को लोगों ने बहुत अच्छा कहा है और काफ़ी अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, सकारात्मक प्रतिक्रिया मिल रही है। मैं बस इतना सोचती हूँ कि इस फिल्म में हमारी जितनी लागत लगी है अगर उतना वापस आ जाए तो हम एक और फिल्म बना सकते हैं। पैसा, शोहरत और नाम कमाने की एक उम्र होती है, वो उम्र अब मेरे लिए पीछे छूट गई है। वहीं ये चलन कई वर्षों से चलता आ रहा है, उन्होंने कहा, और मुझे हमेशा ये बहुत अश्लील लगता है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया और ये पल्लवी आगे कहती है कि हमारे संस्कार तो यही कहते हैं कि आपको अपने काम से जो भी मिले उसे अपने पास रखना चाहिए। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें।